इस रेसिपी के लिए 750 ग्राम चिकन को छोटे टुकड़ों में काट लें। 1.5 टीस्पून नमक डालें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालें। चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लें। 30 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दें। इस बीच मध्यम आंच पर पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम करें। 1 तेज पत्ता डालें, 3 से 4 इलायची, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून शाह जीरा डालें। सारे मसालों को 30 सेकेंड के लिए भून लें। 1 बारीक कटी हरी मिर्च डालें, 2 कटे हुए प्याज डालें। मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। 5 मिनट तक या अदरक और लहसुन की कच्ची महक जाने तक पकाएं। इसके बाद कटा हुआ टमाटर डालें, 1/2 टीस्पून नमक, 5 मिनट तक पकाएं। मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें, अच्छी तरह मिला लें। आधा टीस्पून चिकन मसाला डालें, चिकन मसाला मिलाएं और ढककर मध्यम आंच पर 15 मिनट तक पकाएं। बीच बीच में मिलाएं, फिर ढक्कन हटाकर तेल अलग होने तक पका लें। एक कप क्रीम डालें, मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आंच बंद कर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।